गुड मॉर्निंग ऑल। तो माय नेम इज समीर। तो जैसे कि हमने कल ऐट कमांड के बारे में पढ़ा था, आज हम करेंगे क्रोन टैब। तो ये ऐट और क्रोन टैब दोनों जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं लिनक्स में। बट ऐट से हमारी वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग होती है, बट क्रोन टैब हमारा रिपीडली जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ हमारे टास्क है जो हमें हर घंटे करने हैं, हर मिनट करने हैं, हर मंथ करने हैं, हर वीकेंड पे करने हैं, मतलब कुछ रिपीटेड टास्क जो हमें करने करने होते हैं कुछ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस टाइप ऑफ टास्क हम टास्क जो है हम क्रोन टाइप से शेड्यूल करते हैं। ये जो रिपीटेड टास्क को शेड्यूल करना एट कमांड से हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्रोन टाइप यूज़ करते हैं रिपीटेड टास्क को शेड्यूल करने के लिए। तो आज हम क्रोन टाइप के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जैसे हम कई बार अपना जैसे आप अपना सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो जैसे आप व्हाट इज कमांड रन करते हो, तो क्या होता है कि आपको नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आता है। ठीक है, नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर दैट मीन्स आपका डाटाबेस जो है वो बिल्ट नहीं है। बट अगर आप अगले दिन चेक करते हो तो व्हाट इज कमांड आपको आउटपुट दे देती है। तो ये कौन काम कर रहा है, ये जो शेड्यूल्ड होती है क्रोन टाइप से। ठीक है, जो बैकएंड में जो काम कर रहा है वो क्रोन टाइप काम कर रहा होता है। तो मैं आपको क्रोन टैब हम आज डिटेल में बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोन टैब को करने से पहले आपके उसके फाइल फॉर्मेट के बारे में समझना पड़ेगा कि क्रोन टैब का जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी फाइल फॉर्मेट के बारे में स्टडी करना चाहते हो, तो मैन फाइव को आपको मैन फाइव पेजेस जो है वो ओपन कर लिया करो। जैसे मतलब किसी भी, जैसे मान लो पास डब्ल्यू डी है, पास डब्ल्यू डी में सेवन फील्ड्स हैं। ठीक है ना, तो सेवन फील्ड्स के हैं। तो अब सेवन फील्ड के बारे में मुझे नहीं पता कौन कौन से फील्ड है। वैसे तो फर्स्ट यूज़र है, उसके बाद हमारा होता है पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म, यूआईडी, जीआईडी, ठीक है ना, कमांड, होम डायरेक्टरी, शेल नेम। तो अगर आपको किसी भी कमांड के फाइल फॉर्मेट के बारे में देखना है, तो मैन फाइव कमांड होती है, मैन फाइव। मैन फाइव जो है वो फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैन फाइव क्रोन टैब को ओपन करूंगा, जिससे कि मुझे क्रोन टैब के फाइल फॉर्मेट के बारे में मैं स्टडी कर सकूं। तो ये मेरा सेंटोस 7 की मशीन है। ठीक है, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं। तो ये मेरा टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में स्टडी करना है क्रोन टैब की, क्रोन टैब को यूज करने से पहले। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करनी है, तो मैन फाइव को रीड करो। ठीक है, मैन फाइव, तो मैं करता हूँ मैन फाइव क्रोन टैब। ठीक है, तो मैन फाइव क्रोन टैब जो है वो क्रोन टैब के फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करेगा। अब मैन फाइव जहाँ पे भी लगाओगे वो उसकी सेक्शन फाइव, जो सेक्शन फाइव है वो फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करता है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ फाइल फॉर्मेट के बारे में क्रोन टैब के, तो क्रोन टैब का फाइल फॉर्मेट ये है, जिसमें हमारे ये पांच फील्ड हैं। ठीक है, जो फर्स्ट फील्ड है वो मिनट के बारे में बात करता है, उसके बाद सेकंड फील्ड घंटे के बारे में, फिर डे ऑफ मंथ, फिर मंथ, फिर डे ऑफ वीक। अब अगर आप मिनट्स देना चाहते हो तो इस रेंज से मैं दे सकते हो, आवर्स इस रेंज में, डे ऑफ मंथ इस रेंज में, और ये इस रेंज में। ये कहता है उसके बाद कि ए फील्ड मे कंटेन एस्टरिस्क विच ऑलवेज स्टैंड फॉर फर्स्ट और लास्ट। मतलब कि अगर आप कहाँ, जहाँ पे 0:59 लिख दो या स्टार लिख दो, एक ही बात है। 0 से 23 लिख दो या स्टार लिख दो, एक ही बात है। 1 से 31 लिख दो या स्टार लिख दो, एक ही बात है। स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो हम क्रोन टैब का कुछ प्रैक्टिकल अभी करेंगे, बट उससे पहले मुझे ये समझना जरूरी है। तो फर्स्ट फील्ड है वो मिनट्स, उसके बाद हाउस, उसके बाद डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक। और जो सिक्स फील्ड आता है वो आता है मेरा कमांड का, जो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई कुछ हमारे जैसे सॉफ्ट क्रोन टैब जॉब शेड्यूलिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये एग्जांपल है, तो ये देखो, ये कहता है कि भाई 14:15 पे, ठीक है,
मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, हर एक एक तारीख को, हर एक एक तारीख को 14:15 पे ये कमांड रन करनी है। ठीक है, ये कमांड हमें रन करनी है, ये कोई स्क्रिप्ट है वो रन कर रहे हैं, देखो हर एक तारीख को। ठीक है, अगर मान लो अब ये देखो ये कह रहा कि 22:00 मतलब कि रात के 10 बजे, ठीक है, वीकेंड पे मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ये कमांड रन करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई 0 से 23 मतलब कि हर सेकंड अकरेंस पे, मतलब कि 0 से 23 हर सेकंड अकरेंस पे, मतलब कि 0 की सेकंड अकरेंस क्या होगी, 1। ठीक है, 1 मतलब 1 बजे, उसके बाद 1 बजे के बाद 3 बजे, 3 बजे के बाद 5 बजे। ठीक है, 5:23 पे मतलब हर सेकंड अकरेंस पे ये कमांड आपको रन करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि 4:05 पे ओनली कब, संडे को, ये कह रहा है कि रन एट 5 आफ्टर 4 एवरी संडे। इसका मतलब होता है कि 4:05 पे हर संडे को ये कमांड रन होगी। तो इस तरह से हम जो शेड्यूलिंग अभी करेंगे क्रोन टैब से, तो ये कुछ सिस्टम डिफाइंड क्रोन टैब्स होती हैं जो क्रोन डी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी आप जो शेड्यूलिंग करोगे, मेल जो है वो रूट के पास ही जाएगी। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो भी कमांड आप शेड्यूल कर रहे हो उनकी आउटपुट इन जॉब शेड्यूलर से, उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पर नहीं दिखती, उनकी आउटपुट आपको मेल के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो ये फाइल फॉर्मेट के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना आप जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर सकते क्रोन टैब से। ठीक है ना, तो इस फाइल फॉर्मेट को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमारी मास्टर क्रोन टैब फाइल भी होती है, मैं वो भी शो कर देता हूँ आपको, cat/etc में क्रोन टैब, ये मेरी मास्टर क्रोन टैब फाइल है। तो इसमें भी आप फाइल फॉर्मेट देख सकते हो, देखो मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक। ठीक है, मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक। और इसमें एक फील्ड हमारा जो होता है वो फालतू होता है, कौन सा, यूजर नेम। ठीक है, इसमें जो मेरा 6th फील्ड है वो यूजर नेम का होता है, जो दूसरी क्रोन टैब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो आपको डायरेक्टली इस फाइल में कोई चेंजेस नहीं करने, ये मेरी सिस्टम फाइल्स होती हैं। तो अब हम क्रोन टैब से जॉब शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सिस्टम का डेट और टाइम। ठीक है, सिस्टम का डेट और टाइम आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने मोबाइल के हिसाब से जॉब शेड्यूलिंग कर देते हैं और कमांड वो प्रॉपर नहीं रन करती आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मेरे 10:15 हुए हैं, तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि क्या कोई एग्जिस्टिंग क्रोन जॉब शेड्यूल है। ठीक है, तो क्रोन जॉब शेड्यूल करने से पहले मैं आपको कुछ सिस्टम डिफाइंड क्रोन जॉब दिखा देता हूँ, लिस्ट करता हूँ /etc में क्रोन। अभी देखो ये मेरी सारी क्या है, फाइल्स हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, cd/ क्रोन में, ओके, क्रोन डॉट स्टार। ये देखो यहाँ पे हमारी कुछ फाइल्स हैं क्रोन की। अब इसमें क्या है, इसमें वो फाइल्स हैं जो वो स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरी हर घंटे मेरी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो देखो ये एक स्क्रिप्ट है जो हर घंटे रन हो रही है, तो ये जॉब शेड्यूलिंग सिस्टम ने डिफाइन की हुई है। अगर मैं आपको और फाइल्स दिखाऊं, cd क्रोन ls क्रोन स्टार, तो देखो यहाँ पे क्रोन डेली के नाम से हम देखते हैं, कुछ हमारी यहाँ पे भी फाइल्स हैं क्रोन डॉट डेली।
यस। तो देखो ये हमारी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी सारी स्क्रिप्ट्स हैं। अगर मैं देखो सभी के बारे में देखूं तो देखो, ये फर्स्ट स्क्रिप्ट है, ये मेरी मैन डीबी की स्क्रिप्ट है जो मैन डीबी डाटाबेस को अपडेट कर रही है, और ये मेरी एम लोकेट स्क्रिप्ट है। तो ये कभी कौन स्क्रिप्ट है, ये क्रोन डॉट डेली, मतलब कि देखो आपको क्या करते हो, आप जब अपना सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो तो कई बार आपको व्हाट इज कमांड रन करने पे नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आता है, ठीक है। तो बट अगले दिन जब आप व्हाट इज कमांड यूज करते हो वो नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर चला जाता है। वो कौन काम कर रहा है, वो बैकएंड में कौन काम कर रहा है, वो ये क्रोन जॉब काम कर रही है। क्रोन जॉब क्या कर रही है, देखो डेली मैन डीबी डॉट क्रोन इस स्क्रिप्ट को रन कर रही है जिससे आपका नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर चला जाता है, ठीक है। जैसे आप नया सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपको व्हाट इज कमांड रन करने पे नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आ रहा है, बट बैकएंड में काम क्या हो रहा है, ये सिस्टम क्रोन जॉब से जॉब शेड्यूलिंग उसने की हुई है कि हर डेली डेली 24 घंटे में एक स्क्रिप्ट हमारी रन होगी जिससे व्हाट इज का जो डाटाबेस है वो बिल्ट हो जाएगा और आपको नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर नहीं आएगा। अब ऐसे ही ये हमारा स्क्रिप्ट है एम लोकेट की। अब जो एम लोकेट की स्क्रिप्ट है वो किस लिए बनाई गई है, जो लोकेट कमांड का डाटाबेस है एम लोकेट डॉट डीबी, तो एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस को अपडेट करने के लिए ये एम लोकेट नाम की स्क्रिप्ट बनाई गई है कि जो हर 24 घंटे बाद ये स्क्रिप्ट रन होगी और आपका डाटाबेस अपडेट होता रहेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं अपने होम डायरेक्टरी में जाता हूँ तो मैं आपको इस डाटाबेस इस स्क्रिप्ट का काम देखो क्या है, ये क्यों डेली रन हो रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका मेरे सिस्टम में। तो ये क्रोन जॉब से शेड्यूलिंग होती है। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको लोकेट कमांड के बारे में थोड़ा स्टडी करता हूँ जिससे कि आपको इजिली रन समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, टच FIS डॉलर के नाम से मैंने एक फाइल जो अपने होम डायरेक्टरी में रन की। अब लोकेट कमांड के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि लोकेट कमांड हमारी फाइल पैटर्न्स को सर्च करती है, वो प्योरली फाइल को सर्च नहीं करती। तो मैं कहता हूँ कि भाई लोकेट को भी भाई FIS डॉलर के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट की है, उसको मुझे सर्च करके दो। तो लोकेट FIS डॉलर मैंने जैसे ही किया तो लोकेट कमांड मुझे कोई आउटपुट, अभी लोकेट कमांड ने मुझे आउटपुट दी क्योंकि अभी डाटाबेस मेरा अपडेटेड है, ठीक है। मेरा डाटाबेस जो है अभी अपडेटेड है। मैं दोबारा कोई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कोई भी फाइल, मैं जैसे IBM के नाम की कोई फाइल मैंने क्रिएट की, IBM डॉलर, मैं यूनिक्स का नेम दे देता हूँ और अब लोकेट IBM को बोलता हूँ। अब ये जो FIS डॉलर के नाम की फाइल इसने इसलिए दिखा दी क्योंकि FIS डॉलर के नाम की फाइल मैंने कल भी क्रिएट की थी, इसलिए वो डाटाबेस में अपडेट हो गई। तो मैं जैसे ये फाइल मैंने क्रिएट करी, ये देखो IBM डॉलर के नाम की फाइल मैंने क्रिएट करनी है होम, पहले मैंने इसको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये मेरी क्रिएट नहीं हुई। तो मैं IBM नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कैप्स IBM, ठीक है। मैंने फाइल क्रिएट करी और मैं लोकेट कमांड को कहता हूँ भाई IBM नाम की फाइल सर्च करके दो। तो ये देखो इसने मेरे को प्योरली फाइल सर्च करके नहीं दी, ठीक है, क्योंकि लोकेट जो है वो प्योरली फाइल को सर्च नहीं करता, वो जहां पे भी पैटर्न मैच हो रहा है, देखो जहां पे पैटर्न मैच हो रहा था वो उसने शो कर दिया, ये देखो। तो मेरी जो एक्चुअल फाइल थी वो इसने सर्च करके नहीं दी, देख रहे हो, जबकि जो ये फाइल है ना IBM नाम की, ये मेरी होम डायरेक्टरी में ही पड़ी है, जबकि इसने पता नहीं कहाँ कहाँ इसको ढूंढने लग गया है, देखो /usr में पता नहीं कहाँ कहाँ पे, ये देखो, जबकि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, होम डायरेक्टरी में। तो ये चीज होती है हमारी लोकेट कमांड में देखने वाली कि देखो IBM नाम की फाइल मेरी यहीं पे पड़ी हुई है, कहाँ पे, /root में, बट लोकेट कमांड इसको कहीं और ही जाके ढूंढ रहा है क्योंकि ये फाइल की एंट्री हमारी लोकेट कमांड में अपडेट नहीं हुई। मैं जैसे कोई एक यूनिक सा नाम दे देता हूँ जिसको आपको इजीली समझ में आएगा, मैं कोई और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जैसे टच इन्फी डॉलर के नाम से मैंने कोई फाइल क्रिएट करी, ठीक है। अब मैं लोकेट कमांड को कहता हूँ कि भाई इन्फी डॉलर के नाम से मैंने फाइल क्रिएट की है, उसको सर्च करो, तो लोकेट कमांड ने मुझे कोई आउटपुट नहीं दी। वो क्यों नहीं दी, क्योंकि जो ये लोकेट कमांड है ना ये हमारी एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस में
जाके सर्च करती है, ठीक है, एम लोकेट डॉट डीबी। तो अब ये m.locate.db आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मेरा यहाँ पे होता है स्लैश वेयर में। हमारी एक डायरेक्टरी है, ये डाटाबेस होता है, मतलब कि जो हमारी लोकेट कमांड है यहाँ पे जाके सर्च करती है फाइल्स को। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ उस डाटाबेस को, फाइंड करो स्लैश में नेम है m.locate.db, ठीक है। तो फाइंड कमांड हमें प्योरली फाइल सर्च करके देती है, तो फाइंड कमांड हमें बता देगी कि ये डाटाबेस कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये डाटाबेस पड़ा हुआ मेरा ये रहा इस लोकेशन पे, स्लैश वेयर लिप में एम लोकेट में एम लोकेट डॉट डी पी। तो ये डाटाबेस जो है, देखो अभी मैं कर रहा हूँ लोकेट FIS डॉलर इन्फी डॉलर, तो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इस फाइल की एंट्री अपडेट नहीं हुई अभी डाटाबेस में। अब ये डाटाबेस में कब अपडेट होगी, 24 घंटे बाद, क्योंकि क्रोन जॉब ने जॉब शेड्यूलिंग क्या की हुई है कि भाई 24 घंटे बाद आपको एम लोकेट स्क्रिप्ट रन करनी है जिससे एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस अपडेट हो जाए। मैं जैसे आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, cd/ctc में क्रोन, ठीक है, क्रोन डेली एक मेरी डायरेक्टरी है। तो देखो यहाँ पे एक एम लोकेट नाम की स्क्रिप्ट है। तो एम लोकेट नाम की स्क्रिप्ट क्या करती है, ये देखो ये सेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये एम लोकेट नाम की स्क्रिप्ट क्या कर रही है, ये इस डाटाबेस को, जो मेरा ये डाटाबेस है, इसको अपडेट करती है, ठीक है। कितने घंटे बाद ये अपडेट होगी, ये डेली रन होती है एक बार सिर्फ। तो क्या होता है कि ये डाटाबेस मेरा बैकएंड में अपने आप अपडेट होता रहता है एक एक दिन बाद। तो जैसे ही वो डाटाबेस अपडेट होगा, तब मैं जब लोकेट इन्फी डॉलर कमांड रन करूंगा ना, तो मुझे आउटपुट मिलेगी। अभी देखो लोकेट इन्फी डॉलर कर रहा हूँ, तो मुझे ये फाइल नहीं बता पा रहा कहाँ पड़ी है। बट जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा, देखो ये स्क्रिप्ट सिस्टम ने शेड्यूल की हुई है कि हर 24 घंटे में ये स्क्रिप्ट रन हो, ठीक है। आप जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल दोगे ना, वो हर 24 घंटे में रन होती रहेगी इस पाथ में। तो एम लोकेट की स्क्रिप्ट है, मतलब कि ये हर 24 घंटे में रन होगी। तो मैं इसको अगर अभी रन करूं तो क्या होगा, एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस मेरा अपडेट हो जाएगा, और जो इन्फी डॉलर की एंट्री भी वहां पे अपडेट हो जाएगी, जिससे कि लोकेट इन्फी डॉलर मुझे बता देगा कि भाई ये इन्फी डॉलर फाइल इस पाथ में पड़ी है। तो मैं इस स्क्रिप्ट को रन कर देता हूँ एम लोकेट को। अभी देखो लोकेट इन्फी डॉलर मुझे कोई आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं जैसे ही स्क्रिप्ट को रन करूंगा, करंट डायरेक्टरी में रन करो एम लोकेट स्क्रिप्ट को, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एम लोकेट स्क्रिप्ट रन की, तो देखो मेरा डाटाबेस अपडेट हो रहा है, जो मेरा एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस है, ये डाटाबेस है ना, ये मेरा अपडेट हो गया। अब मैं देखो जब लोकेट इन्फी डॉलर कमांड रन करूंगा, तो देखो इसने मेरे को बता दिया कि भाई जो फाइल है वो इस लोकेशन पे पड़ी है, ठीक है। तो हम मैं दिखाना चाहता हूँ कि बैकएंड में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे आपको लोकेट कमांड कई बार सही आउटपुट देती है, कई बार नहीं देती। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करो स्लैश रूट से कौन सी फाइल, इन्फी नाम की फाइल रिमूव कर दो। तो यस, अब जैसे ही मैंने इसको रिमूव करा, अब लोकेट इन्फी मैं दोबारा देखता हूँ, तो ये कह रहा भी है जबकि मैंने वो फाइल रिमूव कर दी। तो कुछ भी आप लोकेट कमांड का यूज कर रहे हो, तो आपको डाटाबेस अपडेट करना पड़ रहा है। तो मैं दोबारा स्क्रिप्ट को रन करूंगा, तो स्क्रिप्ट क्या करेगी, उस डाटाबेस को अपडेट कर देगी। अब देखो स्क्रिप्ट रन करी, अब लोकेट इन्फी डॉलर देता हूँ, तो कहेगा भाई कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम हो रहा है बैकएंड में, ठीक है, कैसे लोकेट कमांड का एम लोकेट डॉट डीबी डाटाबेस जो है वो हमारा हर डेली, मतलब दिन में एक बार अपडेट होता है, ठीक है। बट अगर आपको लोकेट कमांड का यूज करना है, तो एक बार अपडेट डीबी कमांड आप रन कर देते हो, जैसे कि वो डाटाबेस आप मैन्युअली बिल्ड करते हो। जबकि बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में कुछ स्क्रिप्ट्स बनी हुई हैं जो हर डे रन हो रही हैं। वो स्क्रिप्ट जो है वो क्रोन जॉब से शेड्यूल की हुई है, ठीक
देखो ये डेली स्क्रिप्ट्स ये हमारी रन होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बैकएंड में क्रोन जॉब से कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब हम क्रोन जॉब शेड्यूल करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि क्या कोई मेरी एग्जिस्टिंग क्रोन जॉब शेड्यूल है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारी कमांड होती है क्रोन टैब हाइफन एल। तो क्रोन टैब हाइफन एल आपको लिस्ट करता है कि क्या कोई क्रोन जॉब शेड्यूल की हुई है। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इसने कहा कि भाई नो क्रोन टैब, कि कोई भी क्रोन जॉब शेड्यूल नहीं है। तो क्रोन टैब हाइफन एल आपको बताता है कि अगर कोई जॉब शेड्यूल होगी तो वो लिस्ट हो जाएगी। अब मुझे शेड्यूल करनी है क्रोन से जॉब, तो क्रोन टैब हाइफन ई यूज करूंगा। एक एडिटर है जिसमें आप अपनी जॉब लिखोगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे ऐड कमांड का लेक्चर देखा हो, तो ऐड कमांड में मैंने दिखाया था कि जैसे आप जॉब नंबर से कमांड नेम देख सकते हो, जैसे कोई भी कमांड आप जब शेड्यूल कर रहे हो तो वो कहाँ पे लिखी जा रही है, स्लैश वेयर में, स्पूल में। अगर वो ऐड कमांड आप यूज कर रहे थे तो ऐड डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल्स मिलती थी, ठीक है। आपको ऐड डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स मिलती थी, और वो फाइल्स क्या होती थी, जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होती थी वो फाइल्स यहाँ से चली जाती थी, क्योंकि वो टेम्परेरली है, मतलब वो वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग थी। जैसे जॉब आपकी एग्जीक्यूट हुई वो फाइल यहाँ से चली जाती थी। ऐसे ही आपकी जो लोकेट कमांड से आप जॉब शेड्यूलिंग करोगे वो आपको यहाँ, आप सच क्रोन टाइप से जॉब शेड्यूलिंग करोगे वो आपको क्रोन फोल्डर के अंदर मिलेगी। अभी क्रोन फोल्डर के अंदर देखो कोई फाइल नहीं है, ठीक है ना। अभी क्रोन के अंदर कोई फाइल नहीं है, बट जैसे ही मैं क्रोन से जॉब शेड्यूलिंग करूंगा यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं क्रोन से कोई जॉब शेड्यूल करता हूँ, तो क्रोन टैब हाइफन ई यूज कर रहा हूँ। तो क्रोन टैब हाइफन ई एडिटर है जिसमें हम क्रोन जॉब शेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट फील्ड था वो हमारा मिनट्स के बारे में बात कर रहा था। तो मैं कहता हूँ कि एवरी मिनट, एवरी 2 मिनट, तो स्टार ओब्ली टू, ठीक है। स्टार ओब्ली टू मतलब हर 2 मिनट में, हर घंटे, मिनट्स आवर्स, हर डे ऑफ मंथ, हर मंथ, हर डे ऑफ वीक। क्या करना है, इको हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो 6 फील्ड होंगे, सबसे पहले मिनट्स, उसके बाद हाउस, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, उसके बाद कमांड नेम, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ डब्ल्यू क्यू। अब यहाँ पे देखो स्टार का मतलब है ऑल, हर घंटे, ठीक है। स्टार टू का मतलब हर 2 मिनट में, हाउस हर घंटे, हर डे ऑफ, हर डे मंथ के हर डे, ठीक है। उसके बाद हर मंथ और हर डे वीक के हर डे, डब्ल्यू क्यू। तो जैसे ही मैंने देखो ये इसने कहा कि इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब। अब अगर मैं क्रोन टैब हाइफन एल करूंगा तो मेरी क्रोन जॉब जो मैंने शेड्यूल किया वो मुझे लिस्ट हो जाएंगी। तो क्रोन टैब हाइफन एल, तो देखो क्रोन टैब हाइफन एल से मुझे जॉब लिस्ट हो गई, ठीक है। कि हर 2 मिनट में इको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। और ध्यान रखना जॉब शेड्यूलर से आप जो भी कमांड शेड्यूल कर रहे हो आपको उनकी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। आउटपुट कहाँ पे मिलेगी, मेल में। अभी देखो मेल में मेरे पास कुछ नहीं है। ओ मेल में मेरी कुछ पहले की कुछ मेल्स हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी मेरे मेल में कुछ नहीं है, कंट्रोल एल, क्विट करना पड़ेगा मुझे। अभी मेरे पास मेल में कुछ नहीं है, देखो नो मेल। अब हर 2 मिनट में क्या होगा, इको हेलो वर्ल्ड क्या आउटपुट देगा मुझे, हेलो वर्ल्ड। और हेलो वर्ल्ड की आउटपुट मेरी मेल में मुझे मिलती रहेंगी, कितने देर बाद, हर 2 मिनट बाद। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे अगर आप ऐड कमांड से जॉब शेड्यूलिंग कर रहे थे तो उसके जॉब नंबर से आप देख सकते हो कि भाई उस जॉब नंबर जो है उसमें कमांड कौन सी जॉब शेड्यूल की है। तो स्लैश वेयर, स्लैश स्पूल, ठीक है ना। उसमें स्लैश एटी नाम का फोल्डर होता है, एक क्रोन नाम का फोल्डर होता है जिसमें जो काम हम कर रहे हो वो फाइल्स यहाँ पे बनती है। अभी देखो पहले मैं एलएस कर रहा था तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं थी, अब मैं जैसे ही एलएस करता हूँ तो देखो एक फाइल आ गई रूट के नाम से। अब इस रूट की फाइल में क्या है, इस रूट की फाइल में वो फाइल कमांड्स हैं जो रूट ने शेड्यूल की हुई है, ठीक है। तो कैट रूट, मैं जैसे ही करता हूँ तो देखो वो कमांड्स आ गई,
जो शेड्यूल की हुई है। तो एट में क्या होता था, एट में जैसे अब जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होती थी, एट कमांड से वो फाइल जो है वो निकल जाती थी, क्योंकि वो कमांड रन होगी, क्योंकि वो वन टाइम ही कमांड रन होती है वहां पे। बट यहाँ कमांड रिपीटेड टाइम जो है वो रन होगी, तो जो यहाँ पे फाइल होगी एक, मतलब जैसे ही आपने जॉब शेड्यूल कर दी तो ये फाइल यहाँ पे परमानेंट रहेगी। ये फाइल यहाँ से कब डिलीट होगी, जब आप इस क्रोम टैब को रिमूव कर दोगे, ठीक है ना। ये फाइल यहाँ पे परमानेंट रहेगी जब तक कि आप क्रोम जॉब को रिमूव नहीं कर देते। ये फाइल मेरी यहीं पे रहेगी और इसमें ये कमांड मेरी जो है परमानेंटली रहेगी जब तक आप क्रोम जॉब रिमूव नहीं कर देते, क्योंकि इसको दोबारा भी एग्जीक्यूट होना है। बल्कि एट में ऐसा नहीं होता, एट में वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग होती है और वहाँ पे जैसे ही काम पूरा होता है वो फाइल वहाँ से चली जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब देखो मैंने क्या कहा था कि भाई हर 2 मिनट में इको हेलो वर्ल्ड आपको रन करना है, इको हेलो वर्ल्ड कमांड रन करनी है। अब मेरे 2 मिनट हो चुके हैं, पहले मेरी कोई मेल नहीं थी, बट अगर अब मैं मेल टाइप करता हूँ, मैंने क्या कहा था, जो भी आप जॉब शेड्यूलर से कमांड रन शेड्यूल कर रहे हो उनकी आउटपुट आपको मेल में मिलेगी। अब जैसे ही मैं मेल देखता हूँ तो देखो एक मेल आई मुझे क्रोन डीमन से, ठीक है। मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, वन एंटर, तो देखो हेलो वर्ल्ड की आउटपुट आपको मिल गई, क्विट। अब मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ जिससे मुझे दूसरी मेल भी मिलेगी। अब देखो इसने कहा कि भाई हेल्ड वन मैसेज, एक और मेल आ गई, चलो दोबारा देखता हूँ। तो देखो कितने बजे आई, दूसरी मेल आई मुझे 10:34 पे, इसको रीड करता हूँ तो नंबर टू, देखो इसमें भी हेलो वर्ल्ड आ गया, क्विट करके बाहर आता हूँ। तो मुझे मुझे हर एक 2 मिनट में मुझे मेल मिलेगी, ठीक है। अभी देखो मेरी 2 ही मेल आई है, 10:32 पे आई, उसके बाद 10:34 पे आई। तो अब मुझे मेल कब आएगी, 10:36 पे। नेक्स्ट मेल आएगी 10:38 पे। दैट मीन्स एवरी 2 मिनट जॉब शेड्यूल हो रही है, ठीक है। एवरी 2 मिनट जॉब शेड्यूल हो रही है, तो मुझे हर 2-2 मिनट बाद मुझे मेल्स आएंगी, क्योंकि जो जॉब शेड्यूलिंग है वो एवरी 2 मिनट की गई है, कि एवरी 2 मिनट में ये कमांड रन हो, ठीक है। तो ये जो फाइल है ये मेरी परमानेंटली रहेगी जब तक मैं क्रोन जॉब रिमूव नहीं कर देता। ये जो रूट नाम की फाइल है इसमें वो कमांड लिखी होगी जो मैंने शेड्यूल की है, देखो कि हर 2 मिनट में इको वर्ल्ड जो है वो रन होगा। तो ये तो बड़ी इजी जॉब शेड्यूलिंग है, बट अगर कई बार आपको कई बार कॉम्प्लिकेटेड से जॉब शेड्यूलिंग करनी पड़ जाती है, कि जैसे कि हर 15 मिनट में, ठीक है, और इतनी सी इतने घंटे 12 बजे से लेके 14 मिनट तक, ठीक है, हर हर 15 मिनट में आपको ये, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब अपने गूगल से भी क्रोन कैलकुलेटर ओपन करके वहां से भी आप जो है एक, मतलब कि वहां पे अगर आपको जैसे नहीं पता कि मैं अगर ये चीज लिखूं तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, तो आप क्रोन टैब गुरु से भी वो चीज देख सकते हो। जैसे मैं अगर अपने गूगल पे जाता हूँ, क्योंकि कई बार हम हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई अगर मैं स्टार ओबली 15 करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, 10-15 करूँ, तो क्रोन टैब के लिए हम क्रोन टैब गुरु एक कैलकुलेटर है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी इस आउटपुट जो भी आप कमांड दे रहे हो उसकी आउटपुट क्या होगी। जैसे क्रोन टैब गुरु यहाँ पे एक मेरा एक कैलकुलेटर है क्रोन जॉब का, तो अगर देखो तो ध्यान रखना कि हमारे 5th फील्ड्स होंगे, मिनट्स, हॉर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, उसके बाद कमांड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मिनट्स देता हूँ, तो मैं अगर मिनट दूँ कि जैसे भाई 5 मिनट, ठीक है, 10 बजे, उसके बाद मैंने दे दिया स्टार स्टार स्टार, ठीक है, स्टार स्टार स्टार,
तो मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा एक बार क्रोन टैब कैलकुलेटर, क्रोन टैब कैलकुलेटर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको क्रोन टैब का वैसा ही फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्रोन टैब से शेड्यूलिंग करते हो। जैसे कोई स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको हर घंटे या हर डे रन करनी है, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट्स को आप जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो क्रोन टैब से। अब देखो मैं यहाँ पे मिनट लग देता हूँ 15, ठीक है, टाइम रख देता हूँ 10, और डे ऑफ मंथ स्टार है, डे ऑफ वीक भी स्टार कर देता हूँ। ठीक है, 15, 10 स्टार स्टार स्टार। कैलकुलेटर मुझे नहीं मिल रहा, क्रोन टैब के काफी सारे कैलकुलेटर हैं बट कई कैलकुलेटर्स में काफी दिक्कत सी आती है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारे क्रोन जॉब शेड्यूल करने के लिए कई सारे कैलकुलेटर मिल जाते हैं। कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको जॉब शेड्यूल करनी है बट अगर आपको उसका एक सिंटेक्स नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे हर 5 मिनट में कोई जॉब शेड्यूल करनी है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5, ठीक है, हर 5 मिनट, तो एवरी हॉर्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक डे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो देखो इसने कहा कि भाई अब एवरी मिनट नहीं लिखा आपने, मैंने लिखा कि 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। बट अगर मैं एवरी मिनट यहाँ पे कर दूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि भाई एवरी मिनट 5, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, एक मिनट चूज करता हूँ 5, तो मतलब कि आपको कई सारे क्रोन टाइप के कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिससे कि आपको क्रोन जॉब शेड्यूल करने में मतलब इजीली होगा आपके लिए क्रोन जॉब शेड्यूल करना। तो जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे अपने आप तो वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्रोन जॉब शेड्यूल करने। तो अगर आपको एक और तरीका है कि जैसे मान लो आपकी कोई स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको डेली रन करनी है या हर मिनट रन करने हैं, एक मिनट वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक जॉब शेड्यूल की थी जो हर 2 मिनट में एग्जीक्यूट हो रही है, तो देखो 10:34 में मैंने लास्ट मेल चेक की थी, अब तक मेरे पास कितनी मेल आ गई होंगी, मेरा टाइम हो गया 10:47, तो कितनी मेल आई होंगी मेरे पास, मुझे 10:36 पे मेल आई होगी। दस बज के 36 मिनट पे मेल आई होगी, और दूसरी मेल कितने बजे आई होगी, 38 पे मेल आई होगी मुझे, ठीक है, मुझे 40 पे मेल आई होगी, मुझे 42 पे मेल आई होगी, मुझे 44 पे मेल आई होगी, और मुझे 46 पे भी मेल आई होगी, मुझे 48 की भी मेल आ गई होगी। तो मेरी कितने टोटल मेल्स होंगी अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और
लास्ट मिलती 34 पे, ठीक है, 36, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेल्स मुझे आ गई होंगी अब तक, क्योंकि हर 2 मिनट में एक कमांड रन हो रही थी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ मेल चेक करता हूँ, देखो मेरी 9 मेल्स आ गई हैं, और सारी मेल जो है मेरी दो दो मिनट्स के डिफरेंस में आई है। देखो 32 पे, उसके बाद 34 पे, उसके बाद 36 पे, 38 पे, 40 पे, 42 पे, 44 पे, 46 पे, 48 पे, अभी एक और मेल आ जाएगी 10:50 पे, क्योंकि एवरी 2 मिनट में एक जो है जॉब शेड्यूल हो रही है। तो इन जॉब शेड्यूल को शेड्यूल कौन कर रहा है? क्रोन डीमन, ठीक है, जो क्रोन डीमन है वो इन जॉब को शेड्यूल कर रहा है। तो अभी देखो मैं लास्ट मेल की आउटपुट देखता हूँ, 9, तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गई, सभी मेल्स में मेरी यही आउटपुट आएंगे, क्विट करके बाहर आ जाता हूँ। अब ये कहता है कि भाई एक और मेल आ गई है, देखता हूँ मेल, तो देखो नहीं आई अभी, ये 10:48 की लास्ट मेल है, अभी मेरी 10:49 हुए हैं, 10:50 को आपको दूसरी मेल आएगी, क्विट कर देता हूँ। तो मतलब कि जो भी आप जॉब शेड्यूलर से कमांड शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट आपको उन मेल्स के अंदर ही मिलती है। तो दूसरी चीज यहाँ पे देखने वाली क्या है, जो इस क्रोन जॉब्स को सर्विसेज चला रही है उसका नाम है क्रोनडी। तो ये सर्विस का स्टेटस बाय डिफॉल्ट तो ये रनिंग में ही होती है, जैसे हमारी एट कमांड के लिए सर्विस होती थी ATD, ऐसे ही यहाँ पे सर्विस होती है क्रोनडी, ठीक है ना। ये क्रोनडी सर्विस जो है ये बाय डिफॉल्ट रनिंग में है, अगर आप इसको बंद कर दो तो आप क्रोन जॉब से शेड्यूलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कई बार होता है कि आपकी क्रोन जॉब काम नहीं कर रही, तो आपको सर्विस भी चेक करनी चाहिए, क्योंकि इस सर्विस को, ये क्रोन डी सर्विस जो क्रोन जो आप जॉब शेड्यूलिंग कर रही है उसको क्रोन डी सर्विस ही रन कर रही है। तो जो भी आप कमांड शेड्यूल कर रहे हो उनके आउटपुट आपको मेल्स में मिलेंगे। तो जैसे आप एट को सिक्योर कर रहे थे, क्रोन को भी सिक्योर कर सकते हो कि भाई कोई भी आपका यूजर जो है वो क्रोन से जॉब शेड्यूलिंग ना कर पाए रूट की परमिशन के बिना, ऐसे आप क्रोन डॉट अलाउ, क्रोन डॉट डिनाई फाइल से आप इनको भी सिक्योर कर सकते हो। तो उससे पहले कि हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ सिस्टम ने हमारे जो स्क्रिप्ट्स जो शेड्यूल की हैं क्रोन से, जैसे हम लोग के डॉट डीबी डाटाबेस डेली अपडेट हो रहा है, मैन डीबी कमांड डेली स्क्रिप्ट से अपडेट हो रही है, ठीक है, उसका वर्टिस का डाटाबेस अपडेट हो रहा है। तो अगर हम अपनी एक स्क्रिप्ट बनाएं और उस स्क्रिप्ट को मैं उस फोल्डर के अंदर रख दूं, क्रोन डॉट डेली या क्रोन डॉट हावरली या क्रोन डॉट वीकली, अगर मैं उन फोल्डर्स के अंदर उन स्क्रिप्ट को रख दूं ना, तो मुझे ये डिफॉल्ट जो मैं क्रोम जो उसे ऐसे शेड्यूल कर रहा हूँ स्क्रिप्ट वो मुझे नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टरी क्या करेगा, उस फोल्डर्स में जो जो भी स्क्रिप्ट पड़े होंगे उनको उसके हिसाब से रन करता रहेगा। तो मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना देता हूँ, तो अभी जैसे मैं मेल देखता हूँ, तो देखो लास्ट मेल मुझे कब आई, 10:50 पे, तो ऐसे 2-2 मिनट बाद देखो मुझे मेल आ रही है, क्योंकि मैंने हर 2 मिनट में जॉब शेड्यूल की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, डी 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 डी, ठीक है, मैंने सारी मेल डिलीट कर दी। अब कह रहा है कि भाई कोई मेल नहीं है, क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, अभी मेरे पास कोई मेल नहीं है, देखता हूँ मेल, तो नो मेल, कंट्रोल एल। अब मैं जो भी मैंने जॉब शेड्यूलिंग की हुई थी, देखो क्रोन टैब हाइफन एल से लिस्ट होगी, तो मैंने जैसे कि बताया था कि जैसे एट में होता था कि जो भी आप ये जॉब शेड्यूलिंग कर रहे हो तो वो किस फाइल में अपडेट हो रही है, वो स्लैश वेयर स्पूल में क्रोन फोल्डर में जा रही है, ठीक है ना, क्रोन फोल्डर में, सीडी क्रोन फोल्डर है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ रही है। अभी देखो रूट के नाम से एक फाइल आ रही है, बट जैसे ही मैं इस क्रोन जॉब को रिमूव करूंगा, तो क्रोन जॉब को अगर आपने रिमूव करना है, जो आपने जॉब शेड्यूलिंग की हुई है उसको हटाना है, तो क्रोन टैब हाइफन आर करूंगा, जिससे कि जो जॉब शेड्यूलिंग थी वो हट गई। अब क्रोन टैब हाइफन एल करोगे, कोई क्रोन टैब नहीं है। अब यहाँ से जो मेरी रूट नाम की फाइल थी ये भी चली गई होगी, अगर मैं लिस्ट करता हूँ तो देखो कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो एट के केस में क्या होता था, एट के केस में जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हो जाती थी, स्लैश वेयर स्पूल ATD से एट फोल्डर से फाइल्स एग्जीक्यूट मतलब निकल जाती थी, बट यहाँ पे नहीं निकलती, क्योंकि वो रिपीटेड जॉब्स हैं, उनको दोबारा फिर रन होना है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट्स अभी यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, अभी देखो मेरी कोई जॉब शेड्यूल नहीं है,
अभी मुझे कोई मेल नहीं आएगी, ठीक है, अभी मुझे कोई मेल नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाता हूँ। अभी स्क्रिप्टिंग की तरफ नहीं ध्यान देना, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे स्क्रिप्ट मैं बनाता हूँ, हाँ मेरी स्क्रिप्ट बनी हुई है ऑलरेडी, और स्क्रिप्ट्स में मेरा जो कंटेंट है वो क्या लिखा हुआ है, वो मेरा ये कंटेंट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट एस एच, ठीक है। मतलब मैं जब इसको स्क्रिप्ट को रन करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, मुझे ये आउटपुट मिलेगी, हेलो ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हर मिनट ये स्क्रिप्ट रन करनी है, तो मैं क्रोन टैब से कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूँगा, इसको इस फोल्डर में रख देता हूँ, जैसे ls/etc में क्रोन, देखो क्रोन डॉट डेली नाम का फोल्डर है। अगर मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी कर दिया तो स्क्रिप्ट ये डेली रन होगी एक बार, अगर हावरली में कर दिया तो हर घंटे रन होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर दिया हर मंथली, ये क्या होगी, रन होगी। यहाँ पे रख लिया तो ये हर वीक कॉपी रन होगी, और अगर यहाँ पे रख दिया सीडी क्रोन में, तो सीडी क्रोन में जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मेरे हिसाब से तो हर मिनट जो है रन होती हैं। ये देखो जैसे यहाँ पे, नहीं ये घंटे में रन हो रही है, देखो जीरो जीरो हॉरली, देखो यहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट है एक जीरो हॉरली के नाम से, तो मैं अगर इसको रीड करूँ cat/etc में क्रोन डॉट डी में जीरो हॉरली, ये स्क्रिप्ट है। तो एक स्क्रिप्ट ये क्या है, रन द हॉर जो, ठीक है, ये हर घंटे रन हो रही है स्क्रिप्ट, मेल जा रही है रूट को, तो देखो हर घंटे, मतलब हर घंटे के 1 मिनट पे ये रन हो रही है, ठीक है, हर घंटे के 1 मिनट पे ये स्क्रिप्ट रन हो रही है। तो ये क्या है, ये सिस्टम डिफाइंड जो कुछ जो हमारी स्क्रिप्ट है वो है, ठीक है। तो अभी मैं अपने स्क्रिप्ट्स की जॉब शेड्यूल कर देता हूँ। जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट जो है वो बनाई है, ये वाली स्क्रिप्ट डॉट एस एच, और इस स्क्रिप्ट डॉट एस एच की आउटपुट क्या क्या आती है जब मैं इसको रन करता हूँ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट है हेलो एल के नाम से। तो मैं स्क्रिप्ट को शेड्यूल कर देता हूँ कि हर 2 मिनट में ये स्क्रिप्ट रन होगी, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में। तो क्रोन टैब, ठीक है, क्रोन टैब हाइफन ई, ठीक है, एडिट मोड, हर 1 मिनट में करनी है तो ये हर 2 मिनट में करनी है, तो मैं कहता हूँ कि हर 2 मिनट में, ठीक है, हर घंटे में, हर डे ऑफ मंथ, हर मंथ, हर डे ऑफ वीक, क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को रन करना है, ठीक है। स्लैश में हमारी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये रन करनी है, डब्ल्यू क्यू क्रोन टैब हाइफन एल शेड्यूल होगी जो, हाँ होगी। अब देखो ये स्क्रिप्ट जो है मेरी हर 2 मिनट में रन होगी, और स्क्रिप्ट की आउटपुट क्या है, वैसे इस आउटपुट ये है, मतलब कि हर दो दो मिनट में मेल में आपको हेलो ऑल, हेलो ऑल, हेलो ऑल, ये में आपको मिलता रहेगा। देखो अभी मेल में आपकी कोई आउटपुट मेल आई नहीं आई, तो क्या है, आपको हर 2 मिनट में आपको ये मेल चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कई बार कि जो अब इन जॉब शेड्यूलर से जॉब शेड्यूल कर रहे हो उनकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे नहीं मिलती, मेल पे मिलती है। तो अब मैं जैसे ही 2 2 मिनट में ये मेल चेक करूंगा, मुझे ये स्क्रिप्ट की आउटपुट हेलो ऑल, हेलो ऑल, हेलो ऑल मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है, अभी मुझे कोई मेल नहीं आई क्योंकि अभी 2 मिनट नहीं हुए। जैसे ही 2 मिनट होंगे और हर एक दो दो मिनट के बाद ये हेलो ऑल जो स्क्रिप्ट में कंटेंट है वो मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको देखनी है क्रोन टैब जो आपको शेड्यूल की हुई है, आपने क्रोन टैब हाइफन एल से लिस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्या नाम अपना जॉब लिस्ट वो शेड्यूल की, तो देखो यहाँ पे ls करता हूँ, एक और फाइल आ गई रूट के नाम से। अब देखो मेल भी आ गई, अगर आपको पहले कोई मेल नहीं थी, अब 2 मिनट हो चुके हैं, मेल आ गई है, ये देखो मेल टाइप करता हूँ, तो देखो मेल आई कितने बजे,
10:58 पे नेक्स्ट मेल आएगी, 11 बजे, फिर 11:02 पे, 11:04 पे, 11:06 पे, ऐसे मेल आपको आती रहेंगी। तो देखो ये कह रहा है कि भाई रूट्स को मेल आई है इस कमांड की, जो आपने कमांड शेड्यूल की थी, क्या आउटपुट आई है, वन प्रेस करता हूँ तो भाई ये कह रहा है हेलो ऑल, ये आउटपुट आई है उस स्क्रिप्ट से, क्विट। चलो अब मैं दोबारा मेल ओपन करता हूँ, तो अभी कोई मेल नहीं आई क्योंकि 10:58 हुए हैं। दूसरी मेल मुझे कब आएगी, 11 बजे, 1 मिनट बाद, क्योंकि हर 2-2 मिनट में मुझे मेल आएंगी। मैं क्विट करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। तो हर 2-2 मिनट में मेरी स्क्रिप्ट रन होगी और मेरी आउटपुट यहाँ पे मेल में मुझे मिलती रहेगी। तो हम क्रोन जॉब को जो है सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा यूजर क्रोन से जॉब शेड्यूलिंग ना कर पाए। तो जैसे हम एड जॉब को सिक्योर करते थे, वैसे ही डॉट डिटो आप क्रोन को भी सिक्योर कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे एट में वाले लेक्चर में भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो क्रोन डॉट डिनाई फाइल ही होती है, ठीक है, क्रोन डॉट अलाउ फाइल नहीं होगी। देखो जैसे यहाँ पे क्रोन डॉट डिनाई फाइल ही है, ये रही, क्रोन डॉट अलाउ फाइल नहीं है और इसमें किसी यूजर की एंट्री नहीं होती। तो जैसे ही मैं क्रोन डॉट अलाउ फाइल क्रिएट कर दूंगा तो क्या होगा कि कोई ऑर्डिनरी यूजर जो है आपका क्रोन से जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पाएगा। अगर उसको जॉब शेड्यूलिंग करनी है तो उसको क्रोन डॉट अलाउ में उसकी नेम की एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, टच करके एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, स्लैश में etc में क्रोन डॉट अलाउ नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। अब मैं लिस्ट करता हूँ, लिस्ट करो स्लैश etc में क्रोन डॉट अलाउ फाइल मेरी बन गई, ठीक है। अब मेरा ऑर्डिनरी यूजर जो है जॉब शेड्यूल नहीं कर सकता। अब मैं देखता हूँ स्विच यूजर शम्मी में जाता हूँ। अब यहाँ शम्मी यूजर कह रहा है कि भाई मुझे क्रोन से कोई जॉब शेड्यूलिंग करनी है, तो मैं क्रोन से जॉब शेड्यूलिंग करना चाह रहा हूँ, क्रोन टैब हाइफन ई एडिटर ओपन कर रहा हूँ। बट देखो इसने क्या कहा कि भाई शम्मी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस प्रोग्राम, सी क्रोन टैब वन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मैं जॉब शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने डॉट अलाउ नाम की फाइल क्रिएट कर दी। जब वो फाइल क्रिएट नहीं हुई थी तो ये कर लेता शेड्यूलिंग। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे शम्मी यूजर को एक्सेस देने है, इसका एंट्री मुझे डॉट अलाउ में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करके लॉग आउट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ भाई, ई को शम्मी रिडायरेक्ट करके इसको दो कहाँ पे, स्लैश etc स्लैश at.allow। तो at.allow में मैंने जैसे इसकी एंट्री करी, तो मैं एक बार एंट्री देख लेता हूँ at.allow, तो ये देखो एंट्री होगी। अब मैं स्विच यूजर शम्मी में जाता हूँ और शम्मी यूजर कहता है कि भाई जॉब मुझे शेड्यूल करनी है, तो क्रोन टैब हाइफन ई हाँ कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, जबकि वहां तो शम्मी यूजर की एंट्री हो गई है। चलो मैं दोबारा कंट्रोल डी करता हूँ, कैट स्लैश etc में क्रोन डॉट अलाउ नाम की फाइल में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई एंट्री नहीं है, मुझे दोबारा करनी पड़ेगी एंट्री। इको शम्मी, ठीक है, रीडायरेक्ट करके इसको डालो क्रोन डॉट अलाउ में। अब देखता हूँ तो हाँ एंट्री हो गई है, स्विच यूजर शम्मी करता हूँ, तो अब शम्मी यूजर जॉब शेड्यूलिंग कर पाएगा क्योंकि मैंने उसकी एंट्री कहाँ पे कर दी, इस क्रोन डॉट अलाउ में। अब मैं क्रोन टैब फन ही यूज कर रहा हूँ, हाँ कर पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे भी मैं कोई छोटी सी जॉब शेड्यूल कर देता हूँ कि एवरी 2 मिनट में, हर घंटे, हर डे ऑफ वीक, मंथ, हर, ठीक है, तो हर मिनट, हर हाउस, हर डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक, इको वेलकम कमांड रन होगी, ठीक है। डब्ल्यू क्यू क्रोन टैब हाइफन एल से लिस्ट भी कर सकता हूँ, हाँ जॉब शेड्यूल है। तो अब जैसे ही ये कमांड रन होगी, मेल हमारी शम्मी को नहीं मिलेगी, मेल हमारी रूट को ही मिलेगी, ठीक है, हर 2 मिनट में ये कमांड रन होगी। चलो मैं कंट्रोल डी करके बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने एटी डॉट अलाउ और एटी डॉट डिनाई के बारे में समझाना था कि कैसे आप इसको सिक्योर कर सकते हो, ठीक है।
चलो अब हम यहाँ देखते हैं, तो मेरी यहाँ पे भी कमांड शेड्यूल थी, तो यहाँ मेल में देखते हैं, क्रोन टैब हाइफन एल, मैं देखता हूँ कि कौन सी कमांड शेड्यूल थी, कि भाई स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो है मेरी हर 2 मिनट में रन हो रही है, तो मैं मेल देख लेता हूँ, मुझे काफ़ी सारी मेल आ गई होंगी। तो देखो मेरी 3 मेल आ गई है, 1 2 3, देखो 10:58 पे स्क्रिप्ट रन हुई, फिर 11 बजे स्क्रिप्ट रन हुई, 11:02 पे स्क्रिप्ट रन हुई, तो हर 2 2 मिनट के बाद स्क्रिप्ट रन हो रही है। तो इस टाइप की जॉब शेड्यूलिंग आप जो है क्रोन से करते हो, और जो भी आपकी मन ने बोला था ऐट और क्रोन से जो भी जॉब शेड्यूलिंग कर रहे हो, आपको आउटपुट मेल में मिलेंगे। तो देखो हर एक मेल में आपको इस स्क्रिप्ट की आउटपुट मिल रही है। जैसे मैं लास्ट मेल अगर रीड करता हूँ, तो देखो हेलो ऑल, ये आउटपुट आ गई आपकी, क्विट करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो एक और मेल आ गई, एक फोर्थ मेल आई मुझे 11:04 पे, तो मतलब कि अब 11:04 पे आई, अगली 11:06 पे आएगी, फिर 11:08 पे आएगी, ऐसे 2 2 मिनट के डिफरेंस में मुझे मेल्स आती रहेंगी। ठीक है, अभी मैं वेट करता हूँ, तो देखो मुझे अभी तो रूट से मेल आ रही है, अभी मुझे शम्मी यूज़र से मेल आएगी, क्योंकि अगर आप एक ऑर्डिनरी यूज़र में भी जॉब शेड्यूलिंग करते हो ना, तो उसकी मेलिंग भी आपको आएगी, जो उसकी कमांड आपने शेड्यूल की है ऑर्डिनरी यूजर ने, उसकी मेल भी आपको ही आएंगी। अब जैसे मैं आपको जैसे फाइल दिखा रहा था, जैसे स्लैश वायर स्पूल में जो फाइल्स हमारी सेव हो रही हैं सिस्टम में, जो भी आप जॉब शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी एक शम्मी के नाम से फाइल भी आ गई, कि भाई शम्मी ने यूजर ने भी जॉब शेड्यूल कर दी है, भाई कौन सी जॉब शेड्यूल की है दिखाना, तो कह रहा भाई ये जॉब शेड्यूल की है। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनरी यूजर भी जॉब शेड्यूल कर रहा है ना, तो वो भी आप देख सकते हो स्लैश वेयर स्पूल में क्रोन में, कि उसने क्या जॉब शेड्यूल की है। ठीक है, ऐसे ही एट के केस में था, वहां पे स्लैश वेयर स्पूल एट के नाम का फोल्डर था, यहाँ क्रोन के नाम का फोल्डर है, तो जो भी कोई यूजर जॉब शेड्यूलिंग करेगा उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, और उस यूजर ने कौन सी जॉब शेड्यूल की है वो भी ये चीज बता देगा। ठीक है, तो अभी मैं मेल देखता हूँ, क्या मुझे शम्मी यूजर के नाम से कोई मेल आई है या नहीं आई, तो मैं मेल टाइप करता हूँ, तो देखो अभी नहीं आई। ठीक है, जैसे ही वहां पे 2 मिनट होंगे मुझे एक शम्मी यूजर से भी मेल आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी यूजर भी कमांड रन कर रहा है ना, तो उसकी मेल भी आपको आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्विट किया मैंने, अब यहाँ पे आप ऑर्डिनरी यूजर की जॉब्स भी देख सकते हो, क्योंकि उसने क्या, अभी देखो जैसे मैं करता हूँ क्रोन टैब हाइफन एल, तो क्रोन टैब हाइफन एल से मेरी जॉब शेड्यूलिंग आई, बट अगर मैं करता हूँ क्रोन टैब हाइफन एल यू है, यूजर नेम है शम्मी, तो देखो इसने बता दिया भाई शम्मी यूजर ने ये जॉब शेड्यूलिंग की हुई है, कि एवरी 2 मिनट में मिनट्स आवर्स डे ऑफ मंथ मंथ डे ऑफ वीक इको वेलकम आउटपुट देगा। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक जो दूसरा यूजर है उसकी जॉब भी आप देख सकते हो एक इस कमांड से, क्रोन टैब हाइफन एल से, तो आप अपनी जॉब्स दे सकते हो अगर आप रूट हो। ठीक है, अगर आप एक ऑर्डिनरी यूजर हो तो दूसरे ऑर्डिनरी यूजर्स की जॉब शेड्यूलिंग नहीं देख सकते, और क्रोन टैब हाइफन एल यू यूजर नेम से आप स्पेसिफिक कर सकते हो किस यूजर की, रूट ये काम कर सकता है, रूट दूसरे की जॉब शेड्यूलिंग को देख सकता है, और स्लैश वेयर स्पूल में जाके भी देख सकते हैं कि उसने क्या जॉब शेड्यूलिंग की है। तो अभी देखो मैं मेल चेक करता हूँ, तो अभी भी मुझे 11:06 के बाद कोई मेल नहीं आई। ठीक है, 11:06 के बाद अभी मुझे कोई मेल नहीं आई, तो मैं एक बार यहाँ पे स्विच यूजर शमी करता हूँ, शमी यूजर मैंने लॉगिन किया, मेल टाइप करता हूँ, हाँ मुझे मेल आई, तो यहाँ पे देखो इको वेलकम, हाँ जो मेल है वो शम्मी यूजर को ही आ रही है, क्योंकि इसकी मेल सेटिंग मैंने अलग की हुई अलग रहा है, तो इसमें देखो इको वेलकम की आउटपुट आई कितने बजे, 11:04 पे, ऐसे 11:06 पे फिर आएगी आउटपुट, फिर आएगी 11:08 पे, 11:10 पे, 11:12 पे। मैं अगर मेल रीड करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट मेल मेरी ये आ गई, वेलकम आउटपुट है, क्विट करता हूँ। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, जो क्रोन जॉब थी उसको मैंने रिमूव करना है, तो क्रोन टैब हाइफन आर से आप क्रोन जॉब को रिमूव कर सकते हो, क्रोन टैब हाइफन एल करता हूँ, कोई जॉब शेड्यूल नहीं है, नो क्रोन टैब फॉर शम्मी। तो रूट से आप एक ऑर्डिनरी यूजर की भी जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो,
ठीक है, क्रोन की, जैसे कंट्रोल एल क्रोन टैब हाइफन एल यूजर नेम, शमी से देखता हूँ कि नो क्रोन टैब, बट अगर आपको शेड्यूल करनी है शमी यूजर के लिए कोर क्रोन टैब, तो आप रूट यूजर से ही कर सकते हो क्रोन टैब। आप में एक सिस्टम एडमिन हो और दूसरे बंदे को नहीं पता कि भाई जॉब शेड्यूलिंग कैसे करनी है, तो आप उसके यूजर में लॉगिन किए बिना भी उसके लिए जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो, क्रोन टैब हाइफन ई, ठीक है, उसके बाद हाइफन यू यूजर है शम्मी, शम्मी यूजर के लिए जॉब शेड्यूल करो। अभी देखो शम्मी यूजर के लिए कोई जॉब नहीं शेड्यूल है, तो मैं शम्मी यूजर के लिए जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ कि भाई कि वही सिंपल सी जो मैं बना देता हूँ, एवरी 2 मिनट में, हर आवर्स, हर डे, मंथ मंथ, डे ऑफ वीक, ठीक है, क्या होगा, इको हाय, ठीक है, ये कमांड रन होगी, डब्ल्यू क्यू। तो ये जो जॉब शेड्यूल हुई है ये किसके लिए हुई है, शमी यूजर के लिए हुई है, ये मेरे लिए नहीं हुई, क्रोन टैब हाइफन एल से करता हूँ तो मेरे लिए नहीं रन हुई, मेरे लिए तो भाई ये स्क्रिप्ट ही रन हो रही है बस। तो ये किसके लिए लिस्ट, अगर मैं लिस्ट करता हूँ अब यूजर शमी के लिए क्रोन जॉब, तो देखो यूजर शमी के लिए ये क्रोन जॉब जो है शेड्यूल्ड होगी। अब इसकी आउटपुट शमी के मेल बॉक्स में जाती रहेगी, तो मैं 2 मिनट बाद इसको चेक करूंगा। तो ऐसे आप अगर एक रूट यूजर हो तो दूसरे यूजर के लिए भी जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो अपने ही उसके लॉगिन किए बिना, ठीक है, आप उसको लॉगिन किए बिना अपने ही लॉगिन से आप जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो किसी दूसरे यूजर के लिए भी। उसके लिए ये नहीं है कि आपको उस यूजर में जाके जॉब शेड्यूलिंग करनी है। तो क्रोन टैब हाइफन ई हाइफन यू यूजर नेम दो, और क्रोन टैब हाइफन एल यू हाइफन यू यूजर नेम से आप उसकी जो देख सकते हो कि कौन सी जॉब शेड्यूल की है। तो अब देखो मैं स्विच यूजर शम्मी करता हूँ, तो स्विच यूजर शम्मी में भी वो क्रोन जॉब शेड्यूल हो जाएगी जो मैंने रूट से इसके लिए की थी, क्रोन टैब हाइफन एल। तो देखो इसने कहा इको हाई, आउटपुट देगा हर 2 मिनट में, मेल देखता हूँ आउटपुट आ गई, हाँ आउटपुट आ गई, ये देखो इको हाई। तो मैं इसको रीड करता हूँ, इको हाई की आउटपुट क्या होगी, हाई, ये देखो आउटपुट आ गई। तो हर 2 मिनट में ये जो मेल आए मुझे आती रहेगी, अभी जैसे ये 11:10 पे, 11:12:14 ऐसे मेल्स मुझे आती रहेगी। तो बस ध्यान रखना इन कमांड्स की आउटपुट आपको मेल में ही मिलेंगी। तो मैं अगर रूट यूजर हूँ तो मैं ऑर्डिनरी यूजर की जॉब शेड्यूल भी कर सकता हूँ उसके लिए, और जॉब को रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे क्रोन टैब हाइफन एल यूजर नेम से देख रहा था कि इस यूजर के लिए ये जो शेड्यूल है, जैसे क्रोन टैब हाइफन यू शम्मी यूजर के लिए ये जॉब शेड्यूल है, आपको उसको रिमूव करना है, तो क्रोन टैब हाइफन आर से आप रिमूव भी कर सकते हो। अब देखो कोई जॉब शेड्यूल नहीं है, नो क्रोन टैब फॉर शम्मी, ठीक है। तो ऐसे आप एक रूट यूजर हो तो दूसरे यूजर के लिए जॉब शेड्यूलिंग कर भी सकते हो, ठीक है, और उसकी उस देख भी सकते हो कौन सी जॉब उसने शेड्यूल की हुई है, और जॉब को रिमूव भी कर सकते हो उसकी क्रोन जॉब को, ठीक है। और अगर ठीक है, ये तो मैंने शमी यूजर की क्रोन जॉब रिमूव कर दी, अब मुझे अपनी जॉब रिमूव करनी है, क्रोन टैब हाइफन एल से देखता हूँ मेरी एक जॉब शेड्यूल्ड है मुझे रिमूव करनी है, तो क्रोन टैब हाइफन आर जॉब रिमूव होगी, अब कोई जॉब नहीं है। अब अगर मैं मेल देखता हूँ तो देखो जितनी भी स्क्रिप्ट मेरी जितनी बार भी वो रन हुई थी उसकी आउटपुट मेरी मेल्स के अंदर आ गई, हर 2-2 मिनट बाद, देखो 11 बजे, 11:02 पे, 11:04 पे, 11:06 पे, 8 पे, 10 पे, हर 2-2 मिनट बाद मेरी स्क्रिप्ट की आउटपुट मुझे आती रही। तो ऐसे आप जॉब शेड्यूलिंग करते हो एट और क्रोन टैब से। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको टाइम दिया, क्योंकि क्रोन जॉब लोग 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, बट क्रोन जॉब इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। क्रोन जॉब आप क्रोन जॉब में हम जैसे आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, आपको कोई स्क्रिप्ट्स है जो आपको पर्टिकुलर डेली रन करनी पड़ती हैं, ठीक है, आप मैनुअली रन नहीं करना चाहते तो आप उनको क्रोन जॉब से शेड्यूल कर सकते हो कि भाई ये स्क्रिप्ट डेली रन हो जाए इस टाइम पे, ठीक है। आपने कुछ फाइल्स का बैकअप लेना है, हर वीक लेना है, ठीक है, आपको कोई कोई भी प्रोग्राम है जो आपको हर मंथ हर डे कुछ ऐसे रन करना है, तो इस टाइप की शेड्यूलिंग आप क्रोन टैब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा क्रोन टैब था, तो नेक्स्ट लेक्चर में बूटिंग सीक्वेंस को समझेंगे कि लाइनक्स में जो बूटिंग सीक्वेंस है वो कैसे है, रूट पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, RHEL 5 में और 6 में रूट पासवर्ड ब्रेक करना काफ़ी ईजी है,
जबकि RHEL 7-8 में 5-6 स्टेप्स में हमारा रूट पासवर्ड ब्रेक हो जाता है। तो हम रूट पासवर्ड ब्रेक करना सीखेंगे RHEL 5 में, 6 में, ठीक है, 7 में, 8 में कैसे रूट पासवर्ड ब्रेक करते हैं और बूट सीक्वेंस को समझेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और अगर किसी को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।